नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक चंदोरी रोड गिरिडीह। अब अगले 24 जनवरी तक वर्चुअल मोड में चलेगा गिरिडीह सिविल कोर्ट। प्रधान जिला जज ने निर्गत किया आदेश पत्र। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने सभी से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील। पौष पूर्णिमा पर खरगडिहा स्थित लंगटा बाबा के मजार पर हुई चादर पोसी। जमुआ थानेदार ने चढ़ाया पहला चादर, बाद में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने चादर पोसी कर मांगी मुरादें। स्वस्थ संकल्प के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान से जुड़ा विद्यालय विद्या भारती के निर्देश पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। और इनरविल सनशाइन ने युवक युवती का करवाया आदर्श विवाह। चंदन नगर में संपन्न करवाया गया विवाह अनुष्ठान। इनरविल सनशाइन की ओर से दी गई जरूरत की सामग्रियां। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना को देखते हुए अगले 24 जनवरी तक कोर्ट का कामकाज वर्चुअल मोड में ही चलेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर दिया है। बताया गया कि इस दौरान कोर्ट से जुड़े तमाम लोग कोरोना गाइडलाइन व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। सिविल कोर्ट में अगले 24 जनवरी तक वर्चुअल मोड में ही कामकाज संचालित होगा। इसको लेकर सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्र जारी कर सिविल कोर्ट से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मियों और अधिवक्ताओं को सूचित किया कि कोरोना को देखते हुए अगले 24 जनवरी तक कोर्ट का कामकाज वर्चुअल मोड में ही चलेगा। इस बाबत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बताया कि 5 जनवरी से 16 जनवरी तक वर्चुअल मोड में कोर्ट को चलाने का आदेश पहले जारी हुआ था, जिसे बढ़ाते हुए अब 24 जनवरी तक वर्चुअल मोड में ही कोर्ट चलाने का निर्देश दिया गया है। और अब 24 जनवरी तक तमाम वैधानिक कार्य ऑनलाइन ही संचालित होंगे। इस दौरान कोर्ट से जुड़े तमाम लोग कोरोना गाइडलाइन व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से जनवरी महीने में कोविड के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए गिरिडीह सिविल कोर्ट से दिनांक 5/1/2022 को ये आदेश निर्गत हुआ था प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस से कि 12 दिनों तक कोर्ट का जो काम है वो वर्चुअल चलेगा और उसके बाद 5 तारीख से लेकर के 16 तक ये काम बिल्कुल वर्चुअल ही चला है। और पुनः आज एक आदेश निर्गत हुआ है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस से, जिसके अनुसार इस वर्चुअल हियरिंग की जो मोड है इसको कंटिन्यू किया गया है 24/2/2022 तक। तो 24/2/2022 तक, माफ़ कीजिएगा, 24/1/2022 तक ये वर्चुअल मोड में ही कोर्ट का सारा कामकाज चलेगा। उसके बाद पुनः कोई आदेश निर्गत होगा तो फिर वैसा हम लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन इस दौरान जो है कोविड प्रोटोकॉल्स को सारे लिटिगेंट्स को, लॉयर्स को, जो कोर्ट कार्य से जुड़े हुए जो स्टाफ हैं उनको, जो बेंच क्लर्क वगैरह हैं, सारे लोगों को प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और उसको ध्यान में रखते हुए ही कार्य का निष्पादन करना है। खरगडिहा स्थित लंगटा बाबा समाधि स्थल पर सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं ने चादर पोछी कर मन्नतें मांगी। हालांकि कोविड-19 के मद्देनजर इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं किया गया। खरगडिहा स्थित महान संत लंगटा बाबा समाधि स्थल पर सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई और तमाम लोगों ने चादर पोशी कर मन्नतें मांगी। पहला चादर जमुआ थाना के थानेदार प्रदीप कुमार दास द्वारा चढ़ाकर परंपरागत रूप से चादर पोश की शुरुआत की गई। इसके बाद भक्तों द्वारा चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो गया। उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर खोरी महुआ एसडीओ, एसडीपीओ के अलावे जमुआ बीडीओ अशोक कुमार, अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा, अंचल निरीक्षक लोकेश सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, बीजेपी नेता परमेश्वर यादव एवं थाना तथा प्रखंड के कई पदाधिकारियों ने भी बाबा की समाधि पर चादर पोशी कर क्षेत्र की अमन चैन की मन्नतें मांगी। बता दें कि बाबा के मजार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग चादर पोशी करते हैं। वहीं कोविड-19 के मद्देनजर इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं किया गया है। आज महान पुरुष
लंगटा बाबा, लंगेश्वरी बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, उनका आज पूष पूर्णिमा का चादर पोशी हमारे जमुआ थाना प्रभारी आके प्रथम चादर पोशी किए और पूरे प्रखंड के अंचलाधिकारी बीडीओ साहब सभी हम लोग एक साथ में चादर पोशी किए। और ये बाबा का आज से नहीं, मैं जब बचपन से देख रहा हूँ कि बिहार के टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री दुबे जी और मिश्रा जी सभी लोग आते थे, चूँकि अब काफ़ी दूर हो गया और वो लोग हैं भी नहीं, इसलिए यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनको आने में कष्ट होता है, लेकिन यहाँ के जितने लोग भी हैं गणमान्य लोग प्रयास करते हैं कि चादर पोशी का फायदा हम भी लें और बाबा का लंगटा बाबा का आशीर्वाद लें। हम सभी मिलके यहाँ चादर चढ़ाएं और बाबा से आशीर्वाद मांगें। पूरे झारखंड वासियों के लिए, पूरे देश वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद मिले बाबा से, यही हमारा इनसे निवेदन है बाबा का कि इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र का सुखी शांति समृद्धि बढ़े, यही बाबा से मांग किए। हम सभी मिलके बहुत बहुत शुभकामना, जो चादर चढ़ाने आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं। स्वास्थ्य संकल्प के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदे को बताया गया और सभी से इस राष्ट्र वंदना अभियान से जुड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। स्वास्थ्य संकल्प के तहत बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि यह अभियान 16 जनवरी से 23 जनवरी तक विभिन्न संगठनों के माध्यम से जारी रहेगा और इस दौरान 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्या भारती भी इस दिशा में अपना कार्य कर रही है। आज विद्यालय में आचार्य दीदी, कर्मचारी, अभिभावक एवं भैया बहनों ने बढ़ चढ़ कर सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार विभिन्न रोगों को ठीक तो करता ही है, साथ ही यह हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे हम सभी इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहेंगे। कहा कि योग से शरीर के भीतर के सारे रोग, विकार, तनाव, दोष, दुख आदि समाप्त हो जाते हैं, सामान्य चेतना से दिव्य चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हम सभी इस राष्ट्र वंदना अभियान से जुड़ने का संकल्प लें और स्वस्थ भारत निर्माण में सहयोग करें। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ हम भारतवासियों के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के संकल्प के साथ अंगीभूत किया है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों में यह गतिविधि पिछले 16 जनवरी से अगले 23 जनवरी तक संपन्न कराना है और देश भर के हमारे भैया बहन, आचार्य परिवार, समिति परिवार, अभिभावक परिवार, पूर्व छात्र परिवार एवं अन्य हमसे जुड़े हुए जो भी हमारे हमसे सहानुभूति रखने वाले हैं, सबों ने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रातःकालीन समूह में, घर में, जहां भी जो हैं वहीं से वो सूर्य नमस्कार करते हैं और उसकी एकीकरण करके उस संकल्प को एक साथ जमा करके इसको हम लोग संग्रह करके महामहिम राष्ट्रपति जी के पास तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसके तहत अपना ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे विद्यालय का भैया बहन इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, हमारे आचार्य परिवार इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, कर्मचारी हमारे विद्यालय के हैं वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी सूर्य नमस्कार करें, स्वस्थ रहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता। इनरवील क्लब ऑफ सनशाइन के बैनर तले पचम्बा के चंदन नगर स्थित सहाय निवास में स्थापित मंदिर प्रांगण में एक युवक युवती का आदर्श विवाह करवाया गया। संस्था की ओर से वर और वधु को जरूरतों का सामान देकर विदा किया गया।
इधर व्हील क्लब ऑफ सनशाइन के बैनर तले सोमवार को पचम्बा के चंदन नगर स्थित सहाय निवास में स्थापित मंदिर प्रांगण में एक युवक युवती का आदर्श विवाह करवाया गया। परमसिया के रहने वाले युवक व युवती को इस क्लब के द्वारा शादी के बंधन में पूरे विधि विधान के साथ बांध दिया गया। यहां युवती का कन्यादान शहर के प्रमुख अधिवक्ता प्रकाश सहाय और उनके धर्मपत्नी इनरवील क्लब ऑफ सनशाइन के संरक्षक पूनम सहाय ने किया। साथ ही इन्होंने दोनों के सुखमय जीवन की कामना भी की। बताया गया कि इस संस्था की ओर से वर और वधु को जरूरतों का सामान देकर विदा किया गया। इस मौके पर सनशाइन के सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया, ISO कविता राजगढ़िया, राकेश झुंझुनवाला, स्मृति आनंद, सुनीता शर्मा, डॉक्टर अंकिता सहाय, प्रमिला मेहरा समेत कई सदस्यगण मौजूद थे। हम लोग को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि IWC ग्रेडी सनशाइन के तरफ से हम लोग एक ऐसी जरूरतमंद लड़की का शादी कर रहे हैं जो परसों ही हम लोगों के पास वो अपने माँ के साथ आई थी। माँ भी काम करती है और माने पापा लड़की के नहीं है और भाई और भाभी ने साथ छोड़ दिया लड़की का, तो माँ बहुत मजबूर है। शादी तो ठीक कर दी थी पर वो शादी कर नहीं पा रही थी, तो हमारी सेक्रेटरी सुमन भाभी जो है सुमन गोरीसरिया जी, उनके पास वो आई थी और उन्होंने हमारे करत को गुहार लगाई कि बस इन लोगों की शादी किसी भी तरह एज ए गार्जियन की तरह करवा दे। तो हमारे क्लब ने तुरंत इसमें एक्शन लिया है और परसों वो आई है और कल हम लोगों ने सारी तैयारी की। सारे ग्रुप में हम लोगों ने मैसेज डाला और बहुत सारे सामान के साथ जो जो जरूरत थी लड़की को उसके साथ हम लोग सब आज लड़की की शादी आज हमारी जो PDC हैं पूनम सहाय जी उनके घर पे मंदिर है उन्हीं के घर पे हम लोग उनका शादी लड़की का और लड़के का करवा रहे हैं। इससे पहले हमने लड़के को बुला के अपने जानकारी भी लिया कि लड़का कैसा है, लड़की को अच्छे से रखेगा कि नहीं रखेगा। सारी जानकारी के बाद ही फिर इस शादी को हम लोग क्लब वाले मिलके संपन्न कर रहे हैं। कहाँ के लड़की हैं? लड़की आपकी बरमसिया की है और लड़का भी बरमसिया की है। दोनों की माँ एक दूसरे को जानती थी पर इन लोगों के मतलब मिलके ही शादी का फाइनल की, लेकिन फिर भी उनको शादी कराने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो उन लोगों ने हम लोगों से सहयोग मांगा। तो हम लोगों ने जिस तरह से शादी कराया है हमको आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और समाज से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी गरीब लड़कियों का जिस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ के शादी करवाया, ऐसे ज़रूरतमंद लड़कियों को आप लोग भी आगे बढ़ के ऐसा मौका मिले तो ज़रूर कराइए। यही हमारी तरफ से, हमारे क्लब की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए। पेठान के ताराडीह के रहने वाले गणेश किस्कू की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में होने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। संभावना जताई जा रही है कि ठंड लगने की वजह से गणेश किस्कू की मौत हुई है। पेठान थाना क्षेत्र के ताराडीह के रहने वाले गणेश किस्कू की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। सोमवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पेठान थाना क्षेत्र के चंपानगर टोला ताराडीह का रहने वाला गणेश किस्कू रविवार की सुबह मेला देखने के बाद कहकर घर से निकला था और रात को घर नहीं लौटा। सुबह पुलिस प्रशासन ने घर वालों को गणेश किस्कू की मौत की सूचना दी, जिसके बाद आसपास के लोग भी पहुंचे और शव की पहचान की। बताया गया कि गणेश शराब के नशे में था और रात को घर नहीं गया था, संभवतः ठंड लगने के कारण उसकी मौत हो। बनियाडी ओपन कास्ट से मशीनों को दूसरी कोलियरी में शिफ्ट करने के विरोध में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने ओपन कास्ट में एक आपातकालीन बैठक की। बैठक में यूनियन नेताओं ने मजदूरों से जुड़ी रोजी रोटी के संबंध में विधायक को अवगत कराया और मशीन ले जाने के विरोध में आवाज उठाने की अपील की। बनियाडी ओपन कास्ट से मशीनों को दूसरे कोलवरी में शिफ्ट करने के विरोध में झारखंड कोलवरी मजदूर यूनियन ने ओपन कास्ट में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें स्थानीय ग्रामीण, ओपन कास्ट से जुड़े हुए मजदूर, सरदार तथा ट्रक ऑनर आदि ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने शिरकत की। यहां यूनियन के अध्यक्ष छक्कू साव ने मजदूरों से जुड़ी रोटी रोजी के संबंध में विधायक को अवगत करवाया और मशीनें ले जाने के विरोध में आवाज उठाने की अपील की। यूनियन के सचिव तेजलाल मंडल ने मजदूरों के रोजगार पर चोट पहुंचाने वाले प्रबंधन की इस नीति को गैर जिम्मेदाराना बताया तथा विधायक से मदद का आग्रह किया, जिसके बाद विधायक ने यूनियन के इस आंदोलन में अपना भरपूर समर्थन देने का वादा किया और कोलवरी के संचालन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में अपने सहयोग प्रबंधन को देने की बातें कही।
गांवा थाना क्षेत्र के हरहड़ा गांव के पास सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई। घायल महिला का प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल वह इलाजरत है। गांवा थाना क्षेत्र के हरहड़ा गांव के पास सोमवार को सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को इलाज के लिए देर शाम सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अचानक सड़क पर मवेशी आ जाने से एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना में बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि नगवा निवासी मुन्नी देवी अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर लंगटा बाबा मेला मिर्जागंज से अपने घर नगवा जा रही थी। इसी दौरान अचानक हरहड़ा गांव के पास सड़क पर मवेशी आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ा, जिससे बाइक पर सवार दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटना में मुन्नी देवी को ज्यादा चोटें आई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा। गांव प्रखंड मुख्यालय सभागार में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर विशेष चर्चा कर मिल रही गड़बड़ियों में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। गांव प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही इसमें मिल रही गड़बड़ियां में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित गिरिडीह जिले के पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वार्ड व विधानसभा के अनुसार पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है और सूची तैयार की जा रही है, जिसकी वे आज समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि इस दौरान सभी अच्छे से चल रहे हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ त्रुटियां मिली हैं जिसे सुधारने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा सिरुआ में मनरेगा मामले में मिली गड़बड़ियां व कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि जांच अधिकारी द्वारा जिले में जांच प्रतिवेदन सौंप दिया गया है। कार्रवाई होने में थोड़ी विलम्ब प्रक्रिया के कारण हो रही है, लेकिन जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए मतदाता सूची का कार्य चल रहा है। मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है और उसमें वार्ड व विधानसभा के मतदाता सूची को लेके पंचायत के वार्ड वार मतदाता सूची का भी खंडीकरण किया जा रहा है। उसी की समीक्षा करने के लिए मैं जिला पंचायत राज पदाधिकारी गिरिडीह आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अभी उसकी समीक्षा की गई है, सारे लोग लगे हुए हैं, कार्य संतोषजनक पाया गया है। कहीं कहीं पे थोड़ी त्रुटि मिली है, उसको सुधार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उन लोगों को दिया गया। किस तरह की त्रुटि मिली क्या बता सकते हैं? त्रुटि मतलब ये है कि मतदाता, जैसे उसको बताया गया है कि भाई एक घर का पूरा मतदाता एक वार्ड में हो, आधा इधर आधा उधर ना हो, तो इस तरह कहीं का तो मिला देखने को, तो सुधार कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो प्रारूप का प्रकाशन होना है। अब प्रारूप का प्रकाशन होगा, उस समय दावा आपत्ति भी आता है कि मेरा नाम 4 नंबर वार्ड में है, मेरा घर है और मेरा मतदाता सूची में 6 नंबर में चला गया है। तो उसको जांच करके फिजिकल वेरिफिकेशन करने के उपरांत उसको 6 से 4 में किया जाएगा, 4 से 6 में किया जाएगा। उसको जो जहां पे है वहीं पे उसको रखा जाएगा। भाजपा मध्यमंडल कमेटी ने कोगड़ी में सेवा सप्ताह के अंतिम दिन कंबल वितरण किया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया और बाबूलाल मरांडी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देने का आग्रह किया गया। सेवा सप्ताह के अंतिम दिन भाजपा मध्यमंडल कमेटी ने कोगड़ी गांव में कंबल का वितरण किया। बताया गया कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन पर 11 जनवरी से शुरू हुए सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतिम दिन आर्थिक रूप से कमजोर गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मंडल महामंत्री गंगाधर दास के देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण कर बाबूलाल मरांडी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देने का आग्रह भी किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह मध्य मंडल की कमेटी के पदाधिकारी समेत किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश मंडल, जिला कार्य समिति सदस्य भागवत साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री इनोद साव, प्रवीण सिन्हा, राजा बंसल, कैलाश दास, रामचंद्र साव, संतोष कुमार, कामदेव दास आदि उपस्थित थे। आज
हम लोग सेवा सप्ताह के अंतिम दिन बाबूलाल मरांडी जी के जन्मदिन पर गिरिडीह मध्य मंडल भाग के कोगड़ी में हम लोग कंबल वितरण गरीब असहाय वृद्ध महिला के बीच में किए और आने वाले दिनों में हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी तरह से बाबूलाल मरांडी जी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मनाएंगे। और जो क्षेत्र में तमाम जगह जो देखने को मिला वो निश्चित रूप से लगा कि काफ़ी ज़रूरतमंद क्षेत्र में है, और घूमने के बाद पता चला कि नहीं, जो लोगों को मिल रहा है, जो हम कार्यकर्ताओं के तरफ से जो कंबल लोगों के पास पहुंच रहा है, जो सेवा भाव से हम लोग कर रहे हैं, ये सेवा भाव और बढ़ाने की ज़रूरत है। काफ़ी क्षेत्र में पिछड़ापन है, काफ़ी गरीबी है, और निश्चित रूप से हम तमाम कार्यकर्ता आज एक संकल्प लेते हुए ये संकल्प लिए हैं। डुमरी प्रखंड बिसोत्री अध्यक्ष डेगलाल महतो अपने समिति के सहयोगियों के साथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित बिसोत्री कार्यालय में प्रवेश किए। इस दौरान काफी संख्या में उनके शुभचिंतक व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने फूलमाला पहनाकर समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी। डुमरी प्रखंड बिसोत्री अध्यक्ष डेगलाल महतो अपने समिति के सहयोगियों के साथ सोमवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित बिसोत्री कार्यालय में प्रवेश किए। इन्होंने नारियल फोड़कर कार्यालय प्रवेश किया, जबकि इस दौरान काफी संख्या में इनके शुभचिंतक, झामुमो कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने फूलमाला पहनाकर समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी और अपने कार्यकाल अवधि में जनहित से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहने की अपील की। अनुमंडल कार्यालय परिसर से जुलूस के चक्र में अपने कार्यालय पहुंचने पर BDO सोमनाथ बंकेरा, प्रमुख यशोदा देवी, जिला बिसोत्री सदस्य बरकत अली, भाजपा नेता जीवाधन महतो, संसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, जीप सदस्य भोला सिंह, पूर्व बिसोत्री अध्यक्ष लाल मोहन महतो, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, झामुमो नेता राजकुमार पांडे, कैलाश चौधरी, प्रकाश चंद मेहता, खिरोदर यादव आदि ने समिति के अध्यक्ष डेगलाल महतो, उपाध्यक्ष शिव अंसारी, सदस्य सुखदेव सेठ, जगदीश रजक, किशोरी रविदास, अनीता देवी, सहोदरी देवी, विनय मरांडी का फूलमाला पहनाकर व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान झामुमो नेता निरंजन महतो, संजय मेहता, मृत्युंजय जायसवाल, चंदेश्वर महतो, तारकेश्वर अग्रवाल, उमाशंकर राय, धूप अंसारी, जमरुद्दीन अंसारी, बबलू महतो, कांग्रेस नेता मनोज जायसवाल, नागेश्वर मंडल आदि दर्जनों लोगों ने भी समिति के सभी सदस्यों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर जमुनिया नदी तट पर झामुओं द्वारा वन भोज का आयोजन भी किया गया। जो है बिसोत्री अध्यक्ष के लिए सरकार ने हमको जो प्रभार दिए हैं माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बिसोत्री अध्यक्ष के लिए हमको जो प्रभार दिए हैं, हमने यहाँ हमारे पूरे प्रखंड में 37 पंचायत हैं, हम प्रयास करेंगे कि 3700 पंचायत का जो है हम अच्छा से यहाँ पर अपना निष्ठापूर्वक काम करें। यहाँ जो बहुत सा भ्रष्ट अफसर हैं उस पर हम लगाम लगाने के लिए प्रयास करेंगे। आम जनता को निःशुल्क यहाँ सेवा देने के लिए हमने बिसोत्री अध्यक्ष का आज शपथ लिए हैं। हम यहाँ प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किसी तरह कोई भ्रष्टाचार ना हो हमारे आने के बाद। अगर भ्रष्टाचार अगर यदि आया तो फिर हम किन्हीं को बख्शेंगे नहीं, किसी भी अफसर को, चाहे किसी भी विभाग का हो। आम जनता को किसी तरह भी अंचल और प्रखंड में या हमारे प्रखंड में जितने तरह की माने योजना की भी काम हो, किसी तरह कहीं कोई लापरवाही नहीं हो और कहीं किसी तरह कोई ECPC का मामला, हम प्रयास करेंगे कि हम तमाम को ख़त्म करने का, तमाम लोगों को हम ऐसा एक भरोसा दिलाते हैं कि हम निष्पक्ष भावना से काम करेंगे, ताकि आम जनता का जो है, बहुत से लोगों का वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है, बहुत तरह तरह की जो समस्या है, मतलब में दिन भर चक्कर मारते हैं, काम में कोई विलम्ब हो रहा है, इसलिए कि आज बिसोत्री ऑफिस हम जो उद्घाटन किए हैं, हम प्रयास करेंगे कि इस ऑफिस से तमाम यहाँ के आम जनता को मैंने सुविधा, हम प्रयास करेंगे कि निःशुल्क सुविधा ब्लॉक और अंचल में हम लोग का काम हो।
हमारा यही शुभकामना है, इसी शुभकामना। अखंड वासियों का कुछ मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना, चूँकि बहुत से देखा जाता है कि लोग आते हैं अपना काम विभिन्न कामों के लिए और इतने दफ्तर में दौड़ते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। हम तो प्रयास करेंगे कि यहाँ पर 3700 पंचायत का 37 को फाइल रहेगा मेरे यहाँ, और हम 3700 पंचायत का हर पंचायत का अलग अलग फाइल में शिकायत लेकर के और हम तुरंत उसको निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब अगले 24 जनवरी तक वर्चुअल मोड में चलेगा गिरिडीह सिविल कोर्ट। प्रधान जिला जज ने निर्गत किया आदेश पत्र। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने सभी से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील। पौष पूर्णिमा पर खरकडीहा स्थित लंगटा बाबा के मजार पर हुई चादर पोसी। जमुआ थानेदार ने चढ़ाया पहला चादर, बाद में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने चादर पोसी कर मांगी मुरादें। स्वस्थ संकल्प के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान से जुड़ा विद्यालय विद्या भारती के निर्देश पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। और इनरविल सनशाइन ने युवक युवती का करवाया आदर्श विवाह। चंदन नगर में संपन्न करवाया गया विवाह अनुष्ठान। इनरविल सनशाइन की ओर से दी गई जरूरत की सामग्रियां। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।